नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। इंग्लैंड में हो रहा क्रिकेट वर्ल्ड कप धीरे धीरे अपने रोमांच की तरफ बढ़ रहा है। मैच दर मैच सभी 10 टीमें टॉप 4 में जगह बनाने की ओर बढ़ती जा रही हैं। तो वहीं क्रिकेट फैंस भी पहले से ही भविष्यवाणी करने लगे हैं कि कौन सी टीम टॉप 4 में जगह बनाएगी या कौन सी टीम फाइनल में पहुंचेगी या फिर वो कौन सी टीम होगी जो इस बार वर्ल्ड कप पर कब्जा जमाएगी। भविष्यवाणियों के इस दौर में गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने भी भविष्यवाणी की है कि इस बार के वर्ल्ड कप में कौन सी दो टीमें फाइनल में भिड़ेंगी। क्रिकेट के शौकीन रहे भारतीय मूल के सुंदर पिचाई ने एक कार्यक्रम में ये भविष्यवाणी करते हुए बताया कि इस बार का वर्ल्ड कप फाइनल भारत और इंग्लैंड के बीच होगा और पिचाई चाहते हैं कि विराट कोहली की अगुवाई वाली टीम अच्छे प्रदर्शन के साथ फाइनल जीते और वर्ल्ड कप भारत लेकर आए। अमेरिका में आयोजित इंडिया आइडिया समिट में जब USIBC की अध्यक्ष निशा देसाई बिस्वाल ने सुंदर पिचाई से पूछा कि आपको क्या लगता है कि फाइनल मैच किसके बीच होगा, इसके जवाब में गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने बताया कि ये इंग्लैंड और भारत के बीच होना चाहिए, लेकिन ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की टीमें भी बहुत अच्छी हैं। इस समिट में सुंदर पिचाई ने अमेरिका में क्रिकेट और बेसबॉल से जुड़े अनुभव भी साझा किए। उन्होंने कहा, जब मैं पहली बार यहाँ आया तो मैंने बेसबॉल में हाथ आजमाने की कोशिश की। मेरा कहना है कि ये थोड़ा चुनौतीपूर्ण था। मेरे पहले मैच में मुझे खुशी थी कि मैंने गेंद को पीछे हिट किया था। क्रिकेट में ये वास्तव में अच्छा शॉट होता, लेकिन लोगों ने इसकी तारीफ नहीं की। सुंदर पिचाई ने एक मजेदार वाक्य बताते हुए कहा कि क्रिकेट में जब आप रन के लिए दौड़ते हो तो बल्ला साथ में रखते हो, तो मैं भी बेसबॉल में अपने बल्ले के साथ दौड़ पड़ा था, इसीलिए आखिर में मुझे एहसास हुआ कि बेसबॉल थोड़ा चुनौतीपूर्ण है। मैं कई चीजों से सामंजस्य बिठा सकता हूँ, लेकिन क्रिकेट के प्रति मेरा प्यार बना रहेगा। विश्व कप क्रिकेट चल रहा है, ये बेहतरीन टूर्नामेंट है। भारत से अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ बहुत कुछ दांव पर लगा है। गूगल के सीईओ पिचाई ने दो टीमों इंडिया और इंग्लैंड को लेकर भविष्यवाणी की है कि ये दोनों ही टीमें फाइनल में पहुंचेंगी। पिचाई के अलावा क्रिकेट एक्सपर्ट भी मानते हैं कि इंग्लैंड इस बार चौंका सकती है, क्योंकि इस बार वर्ल्ड कप इंग्लैंड में ही हो रहा है और इंग्लैंड इस वक्त जबरदस्त फॉर्म में है। वर्ल्ड कप से पहले पाकिस्तान को 4-0 से वनडे सीरीज में शिकस्त देने वाली इंग्लैंड पॉइंट टेबल में भी 3 मैचों में 4 अंक के साथ चौथे नंबर पर है, जबकि टीम इंडिया दमदार 11 की वजह से लोगों की हॉट फेवरेट बनी हुई है। विराट ब्रिगेड में 11 के 11 खिलाड़ी जबरदस्त फॉर्म में हैं, जो किसी भी विरोधी टीम को धूल चटा सकते हैं। इस विराट ब्रिगेड के सामने साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीमें भी ढेर हो गई। अब गूगल के सीईओ ने तो भविष्यवाणी कर दी कि फाइनल में इंडिया और इंग्लैंड पहुंचेगी। आपको क्या लगता है, कौन सी दो टीमें वर्ल्ड कप के लिए फाइनल में भिड़ेंगी? कमेंट करके जरूर बताएं। Every 6 months.
back. So we are very excited. We are starting with 100 of the busiest railway stations. 10 million passengers go through that every day. And we hope to expand it to 400 stations by the end of next year. And we are talking about high definition video streaming being possible on these connections. So this is very, very high speed internet. And we are doing all this to support the vision of Prime Minister and his Digital India. And I'm honored to welcome Prime Minister Modi ji here and would like to invite him to share a few words. 15 ghante se aap log computer par baith kar ke samasyaon ka samadhan khoj rahe hain. Main Sundar ka aur Google ka bahut aabhar vyakt karta hu ki samasya ke samadhan ke liye aapka avsar diya aur main aapko vishwas dilata hu ki aapne jo mehnat ki hai हमारी सरकार में इसको समझने का प्रयास होगा और इस सॉल्यूशन का उपयोग सामान्य मानवीय के लिए कैसे किया जा सकता है, उसको कैसे अधिक लोगों के लिए तक पहुंचाया जाए और व्यवस्था को और लाभार्थी के बीच इसको कैसे जोड़ा जाए, उस दिशा में मेरा पूरा प्रयास है। कभी कभी मैं मजाक पर कहता हूँ कि ये टेक्नोलॉजी का जो इन्वेंशन हो छोटी छोटी चीज के एनालिसिस के लिए व्यक्ति का बहुत समय जाता था, सैकड़ों लोगों को काम करना पड़ता था, दिल इकट्ठा करना पड़ता था, बहुत ही मुकाबले तो समय बचाने के लिए इसका जन्म हुआ, लेकिन हुआ उल्टा। But what happened was just the opposite. आज लोग सबसे ज्यादा समय उसी में बिताते हैं। Today people are spending the maximum time in trying to do this. बच्चा भी माँ से दूध मांगता है तो माँ कहते ठहरो मुझे अभी एक व्हाट्सएप को फॉरवर्ड करना है। लेकिन समय आएगा कि इसका सही इस्तेमाल होगा और क्वालिटेटिवली समय का इसके साथ जुड़ा होगा और वो हमारी जिंदगी में क्वालिटेटिव चेंज लाएगा, ये मैं बहुत साफ देख रहा हूं। भारत का रेलवे और गूगल मिलकर के 500 रेलवे स्टेशन पर वाईफाई का बड़ा अभियान कर रहे हैं और भारत की रेलवे मतलब यूरोप का एक देश पूरी तरह हमारे यहां रेलवे में होता है। मैं ये देख रहा हूं इस टेक्नोलॉजी का बहुत लाभ है। मैं खुद आपने आप से कई लोग होंगे शायद नरेंद्र मोदी ऐप पर गए होंगे, मैं उसके कारण इतना कनेक्ट रहता हूं लोगों से, मुझे इतने फीडबैक मिलते हैं, मुझे इतना फायदा होता है। तो ये डेमोक्रेसी की एक बहुत बड़ी ताकत बन गया है ये टेक्नोलॉजी का ताकत। मैं फिर एक बार सारे पार्टिसिपेंट्स का बहुत बहुत आभारी हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और मैं चाहूंगा कि भारत आप लोग जो खोज कर रहे हैं भारत के गरीबों के लिए काम आए, उसके लिए मुझे भी कुछ न कुछ समझ आए, मैं कुछ सीखूं समझूं और उसको काम में लाऊं। मैं फिर एक बार आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। गेटिंग पीपल कनेक्टेड इज अ फाउंडेशनल गोल। दिस इज व्हाई जस्ट अ फ्यू मंथ्स अगो वी अनाउंस्ड द लार्जेस्ट पब्लिक वाईफाई प्रोजेक्ट इन द वर्ल्ड। वी आर पार्टनरिंग विद रेलटेल एंड इंडियन रेलवेज टू ब्रिंग कनेक्टिविटी टू ओवर 400 रेलवे स्टेशन अक्रॉस इंडिया। This will cover 10 million passengers every day. We are on track to get 100 stations online by the end of the year, by end of 2016. And as I speak, the team is setting up infrastructure in Mumbai Central and testing it out right now. We expect it to go live in January, be live in Mumbai Central where people can get access to Wi-Fi, and we'll have many more stations coming soon right after that. In addition, we are working on Project Loon. Project Loon is our initiative to get balloons up in the sky so that you can provide internet to hard to reach rural areas. We think it could make a lot of sense to reach rural areas in India, and we are exploring ways to bring our service to India, especially in rural areas. Talking about rural areas, you know, it's striking that in rural areas,
even though there is connectivity in many areas, there are certain segments of the population which don't get access to it, women in particular. Less than one-third of internet users in India are women, and the number is far lower in rural areas. So we've been thinking about how to change that, how to get women to understand the opportunity that the internet represents. So a few months ago, we launched a pilot program in partnership with Tata Trust. And we are literally rolling it out to speak. We have bicycles, and women can take them from village to village and teach other women how to use the internet with smartphones. And we have done this across 1,000 villages in India in 3 states. And what we've learned is humbling and inspiring.